भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे के चर्चे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होते हैं। कई बार तो उनके कपड़ों को लेकर ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि उसके लिए आईटीआई भी फाइल की जाती है। प्रधानमंत्री के कपड़ों पर कौन पैसा खर्च करता है, इस पर कई तरह के विवाद हैं। इसको लेकर एक आईटीआई के जवाब में भी पीएमओ ने खुलासा कर दिया। भारत के पीएम जैसा देश वैसा वेश का मंत्र सिद्ध कर चुके हैं। मोदी जी का नया लुक हमेशा ही वायरल होता है। प्रधानमंत्री कुर्ते पजामे से लेकर शर्ट पैंट, टी शर्ट, कोट पैंट, धोती कुर्ता, हर तरह का पहनावा पहनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके कपड़े कहां से आते हैं? आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी के वार्डरोब से जुड़ी हुई ये बातें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 74वां जन्मदिन मनाया गया। देश में इसे भाजपा कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर महसाणा गुजरात में हुआ था। उन्हें 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। वह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वह गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री थे। 26 मई 2014 से अब तक वह लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। आइए जानते हैं दुनिया में भारत का परचम लहराने वाले पीएम मोदी की अलमारी में कितने महंगे कपड़े, चश्मा और पेन रखे हुए हैं। पीएम मोदी के पास जो मैबैक ब्रांड सनग्लास है उसकी कीमत करीब 1,05,000 रुपए बताई जाती है। पीएम मोदी मॉन्ट ब्लैक कंपनी के पेन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत करीब 1,30,000 रुपए बताई जाती है। वहीं पीएम मोदी की अलमारी में लाखों रुपए कीमत के कई कुर्ते पजामे से लेकर शर्ट पैंट, टी शर्ट, कोट पैंट, धोती कुर्ता रखे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहनावा आम नहीं होता, उनके कोट पैंट काफी चर्चा में रहते हैं। पीएम का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ सूट भी काफी चर्चा में आया था, जिसके बाद इसे 4,31,00,000 रुपए में नीलाम किया गया और इन पैसों का इस्तेमाल स्वच्छ भारत योजना के लिए किया गया। वैसे आपको बता दें कि इस सूट का कपड़ा जाने माने ब्रांड हॉलैंड एंड शेरी ऑफ शेवली रो का बताया गया, जिसकी कीमत 1000 से 1500 पाउंड प्रति मीटर थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोशाक को लेकर ऐसा विवाद शुरू हो जाता है कि इसके लिए एक आरटीआई भी दायर की जाती है। प्रधानमंत्री के कपड़ों पर पैसा कौन खर्च करता है, इस पर कई विवाद हैं। लेकिन पीएमओ कार्यालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने कपड़ों पर पैसा खर्च करते हैं। जैसा देश वैसा रास्ता के मंत्र को सिद्ध करने वाले मोदी जी का नया लुक हमेशा वायरल होता रहता है। प्रधानमंत्री को कुर्ता पजामा से लेकर कोट पैंट, शर्ट पैंट, टी शर्ट, हर तरह के कपड़े पहनना पसंद है। आज भारत के करोड़ों युवा भी अच्छी जीवन शैली जीने वाले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लुक को फॉलो करते हैं। अपने पहनावे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी ख्याल रखते हैं। वो पॉलिटिक्स में फैशन आइकन हैं, जो अपने कपड़ों के ब्रांड को लेकर सावधान रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े अहमदाबाद के टेक्सटाइल कंपनी जेड ब्लू से आते हैं। ये उनके लिए ज्यादातर उनकी पसंद के कुर्ते पजामे बनाते हैं। कपड़ों के हिसाब से कीमत अलग अलग होती है। तो आप अगर भारत के फैशन आइकन कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे को लेकर उत्सुक थे, तो इस जानकारी के बाद आप ये समझ गए होंगे कि उनका पहनावा आम नहीं है। इसके अलावा वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ का वैसा ही पहनना पसंद करते हैं। अच्छा लाइफस्टाइल जीने वाले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लुक को आज भारत के लाखों युवा भी फॉलो करते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप जनता दरबार न्यूज पर हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। नमस्कार। Thank you.